स्टार्ट हो गया ना? गुड इवनिंग, दिस इज फॉर क्लास 8। मैं सभी जूनियर बच्चों को 8, 9, 10 को मिलने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक कैलकुलेशन करता हूँ बाय मेथड ऑफ परसेंटेज। सो करेक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, खासकर ओलंपियाड में हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करता है कठिन कठिन। फॉर एग्जाम्पल क्या आप अभी नीट कर सकते हो ये, और या फिर ये जल्दी विद इन 10 सेकेंड्स कैसे करोगे, या फिर ये, ठीक है, ये आपको ना ही ओलंपियाड में काम आएगा बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम में दूसरे बच्चों से काफी एज मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो मेथड बताएंगे, वैसे मार्केट में बहुत मेथड है, बहुत बहुत किताब है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ परसेंटेज टू कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू नंबर, थ्री नंबर्स, कितना भी बड़ा, ठीक है। वैसे ये एलिमेंट्री क्लास है तो सबसे पहले कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है 704। इस 704 टू आसानी के लिए 700, इसका 10% क्या होगा? आप लोग स्कूल में करते थे 700 × 10/100 काटते थे उससे ऐसे। आपको आसानी से याद रखना, अगर 10% किसी चीज का निकालना हो बस डेसिमल एक प्लेस यहां जंप कर जाएगा, एक प्लेस यहां जंप कर जाएगा, तो 10% कितना हो भाई 17, करेक्ट। सिमिलरली 1% कितना होगा, तो 10% में डेसिमल एक प्लेस जंप किया, 1% में डेसिमल कितना प्लेस जंप करेगा, दो प्लेस लेफ्ट के साइड में, तो एक प्लेस दो प्लेस कितना हो गया 7, करेक्ट। अब 10% 70, तो मुझे बताइए 20% कितना होगा, सिंपल है, 2×10% 70 रुपया, 20% कितना रुपया होगा 140 रुपये। सिमिलरली 2% कितना होगा, अगर 1% का मतलब हो गया 7, तो 2% मतलब उसका 2×7=14, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं जैसे कि 625, आप इसका बताओ 10%। सिमिलरली 10% मतलब डेसिमल एक प्लेस जंप, तो कितना प्लेस, एक प्लेस होगा, तो कितना जाएगा 62.5। 20% कितना होगा, 20% मतलब इसका 2 times, बस आपको एक दो गुना और डिवाइड बाय टू और इनटू टू ये आना चाहिए, तो इसका दो गुना कितना होगा भाई, इसको दो से मतलब लो मन में हो जाना चाहिए, इनटू टू नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा 60 का दो गुना 120 बच गया 2.5 का दोगुना 5, तो 120 प्लस 5 कितना 125, करेक्ट। सिमिलरली अगर बोलेगा इसका 40% कितना होगा, तो पहले मैंने 10% निकाला, फिर 20% निकाला, अगर 20% का वैल्यू 125, तो 40% का वैल्यू कितना होगा, इसका दोगुना, इसका दोगुना सिंपल मुझे दिख रहा है 250, करेक्ट। आपको एग्जाम में बोले मुझे इसका 3% निकालना, तो मैं ये मत करना कि a into ये मत करना, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं, 1% निकालेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे 3%, तो 6.25 का 3 से गुणा करोगे, तो डेसिमल से पहले 3 गुणा करो, डेसिमल के बाद 3 गुणा करो, तो डेसिमल के बाद 3 गुणा करोगे तो 25 का 75 और 6 का 18, ये 3% हो गया, करेक्ट। आई होप आप समझ गए हो। नेक्स्ट, अब कुछ चीज जानते हैं, अगर किसी का 50% निकालना हो, हमारा टारगेट है जो मैंने शुरू में कुछ क्वेश्चंस लिखवाए उसको जल्दी कैलकुलेट करना, मन में कैलकुलेट करना, 50% निकालना हो, 50% मतलब कितना होता है 1/2, 50/100 कट जाएगा 1/2, 25% कितना होता है
25% होता है अगर आप देखोगे 25 by 100 25 by 12 में 1/4 मतलब क्या होता है आपको याद होता है 1/4 मतलब होता है आधा का आधा हाफ का हाफ ठीक है सिमिलरली 12.5% कुछ नहीं होता 1/8 का मतलब पता है कितना होता हाफ का हाफ आधा तो चीजों को तीन बार आधा करना होगा ये नोट कर लीजिए कॉपी में अब लेते हैं कुछ आई होप कॉपी में नोट कर रहे होंगे इसका 10% कितना प्लेस जैसे मिल जाएगा 1 प्लेस दैट इज 57.6 इसका 20% कितना होगा भाई इसका 2 गुना अब इसका 2 गुना कैसे होगा 57.6 दो गुना डेसिमल के पहले भी करना दो गुना डेसिमल के बाद करना अब डेसिमल में दो गुना करोगे 6 × 12 लेकिन कितना प्लेस हो गया डेसिमल में 2 लेकिन है कितना 1 तब क्या करोगे 1 उधर कैरी कर लोगे तो 12 का आप किसी 2 लिखोगे 1 कैरी कर लोगे 57 का दो गुना होता है 114 और 1 जो कैरी होगा कितना हो जाएगा 115 सिमिलरली अगर इसी का 40% निकालो तो क्या करूंगा 20% का दो गुना करूंगा इसका दोगुना कितना होगा भाई डेसिमल के बाद दोगुना करेंगे डेसिमल के पहले दोगुना करेंगे दो का दोगुना 4 इसमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि एक प्लेस यहां भी है एक प्लेस यहां भी है 115 का दोगुना कितना हो जाएगा 230 ठीक है आई होप समझ गए आप इसका अगर आप बोलेगा 50% निकालें तो अभी मैंने क्या बताया 50% कितना होता है हाफ इसका हाफ करेंगे इसको हाफ कैसे करेंगे दो हिस्से में तोड़ देंगे अगर आप जोड़ लो 500 आप जोड़ लो 76 तो अगर मुझे इसका हाफ करना तो इसका आधा 1/250 इसका आधा 38 250 प्लस 38 कितना हो जाएगा भाई 288 अगर इसी का 25% निकालना हो तो 25% मैंने बताया था क्या होता है 1/4 मतलब हाफ का हाफ तो हाफ मैंने एक बार कर लिया इसका और आधा करना मुझे बताइए बहुत आसान है ठीक है तो आई होप आप परसेंटेज समझ गए होंगे ठीक है ओके मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं अब आप बताओ सर नोट कर लीजिए वीडियो आप इसी चीज का आप सब निकालो 1024 है ना 624 आप इसका तुरंत अपनी कॉपी में निकालो 10% 20% 1% 2% 25% 50% अब जल्दी निकालो 11% अब ये सब तो मैंने बता दिया अब 11% कैसे निकलेगा 27% कैसे निकलेगा 35% कैसे निकलेगा तो देखिए ये तो आप सब निकालोगे मैं यहां से बता अगर 11% निकालना हो तो सिंपल है 10% प्लस 1% करेक्ट किसका किसका तो 10% कितना होगा मैंने कहा 10% मतलब डेसिमल प्लेस कितना जाएगा एक प्लेस कितना हो गया भाई 102.4 करेक्ट 1% मतलब डेसिमल प्लेस कितना जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में दो प्लेस तो एक प्लेस दो प्लेस कितना हो गया 10.24 तो अगर मुझे 11% निकालना था तो मैंने सुबह से बताया 10% एंड 1% आप दोनों को जोड़ो जोड़ना कैसे ये भी मन में होना चाहिए डेसिमल के बाद प्लस और माइनस का नंबर ऑफ प्लेसेस सेम होना चाहिए यहां पर दो है यहां कितना होना चाहिए 2 24 प्लस 40 कितना हो गया भाई 64 अब राइट हैंड साइड में जाएंगे जैसा लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे 102 प्लस 10 कितना हो गया भाई 112 कितना आ गया सर 112.6 सिमिलरली आप किसका निकालो 11% कितना कैसे निकलेगा 11% 10% प्लस 1% 10% मतलब 62.4 करेक्ट 1% मतलब 6.24 जोड़ेंगे कैसे डेसिमल के बाद नंबर प्लेस करना चाहिए इसमें वही कॉन्सेप्ट है 64 62 प्लस 6 कितना आएगा 68 निकालिए आई होप आप समझ गए होंगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नंबर निकालो 35% कैसे निकालेंगे 99% कैसे निकालेंगे 17% कैसे निकालेंगे इस तरह से कैसे निकालेंगे एक मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोग खुद कर 35% किसका इसका मैं निकालूं छोड़ो इसी का निकालूं
यहाँ पे यहाँ लिखे 35%, 35% मतलब 30% प्लस 5% ऑफ व्हाट 624, 35% कितना होगा, पहले 10% निकाला तो उसको कितना से गुणा कर दिया, 3 गुना, ये वैल्यू का होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। 10% निकाला कितना हो गया, 3 गुना से क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में इधर डेसिमल के बाद भी 3 गुना करेंगे, डेसिमल के पहले भी 3 गुना करेंगे, डेसिमल के बाद 3 गुना किया तो 4 दिया 12, 12 कितने प्लेसेस 2, लेकिन हमारे यहां कितना 1, तो 2 ही रखेंगे और एक क्या हो जाएगा कैरी, इसको 3 से गुणा करो ये हो जाएगा 186, 186 और इससे जो एक कैरी हुआ था वो क्या होगा 187, ठीक है। 5% कैसे निकालेंगे, 10% निकाल के उसका आधा करते हैं, 10% एक खुद है इसका आधा करेंगे, इस डेसिमल के पहले भी हाफ करेंगे, डेसिमल के बाद भी हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31.2, अब जोड़ दो कितना हो गया 4, 187 प्लस 31 कितना हो जाएगा 188, 218, ठीक है। सिमिलरली आप सारा कर सकते हो, ऐसे तोड़ के स्प्लिट करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देते हैं, चलिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो फिर आप 25 का 74% निकालो या फिर 74 का 25% निकालो, क्या आसान होगा, इसको आसानी के लिए 76 का 25% निकालना काफी आसान है, 25% मतलब 1/4 मतलब आधा का आधा, तो 76 का आधा 38 का आधा 90, वेरी गुड 90 निकल गया, बाद में क्या करेंगे इनटू 100 मतलब ये वाला देखिए 22 का 25, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे इसका 25% निकाल लेंगे, या तो फिर आप इसका 22% का निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हैं, कैसे भी करें आपको दोनों मेथड बताता हूं, 22 का 25% या फिर 22% ऑफ 25 कोई मेथड कर सकते हैं, ये वाला मेथड 25% मतलब आधा का आधा, तो 22 का आधा 11, 11 का आधा 5.5, बाद में क्या करेंगे इनटू 100 करेंगे, दो प्लेस आएगा, एक प्लेस यहां पे और एक और जीरो, आंसर ठीक है, या तो फिर ये भी आंसर सेम ही होगा, 25 का 22% निकाला था, 22% निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था, 20% प्लस 2%, इसका 20% किया, 20% मतलब ये होता होगा 10%, 2.5 20% कितना होगा इनटू 2 दैट इज 5, ये वो आपका निकल गया 20% प्लस 2% निकालना, इसका 2% इसका 2% मतलब डेसिमल कितना प्लेस आएगा, दो प्लेस, एक प्लेस दो प्लेस, कितना हो गया 0.25, ये तो 1% हुआ, आपको 2% करना था, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 0.5, दोनों को जोड़ देंगे 5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा 5.5, बाद में कर देंगे इनटू 100, आपका अल्टीमेटली आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसका ये कैसे करेंगे, 604 का 102% निकालेंगे, 604 का हम क्या निकालेंगे 102% निकालेंगे, 102% निकालने का मतलब कितना हुआ, आप क्या करो 100%
परसेंट निकाल लो और 2% निकाल लो, दोनों का कर दो, जोड़ दो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 10 सेकंड में हो जाए। ये तो मैं इतना बोल रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है। 100% किसी चीज का 100% तो बेचारा खुद ही होता है। 604 का 100% कितना हो गया, 604 प्लस 2%, 2% के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस इंटू क्या करेंगे, 2, तो 12 और यहाँ पर इंटू डी ए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो डेसिमल पे एक ही है 08, 12 प्लस 604 कितना हो गया, 616। अब आप क्या कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, डेसिमल 2 प्लस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आयो आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत, इसका नोट्स बनाइए और कुछ वर्क दे दिया आपको लिखिए। लास्ट ले ये नंबर, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करें भाई, तो कुछ नहीं करें, या फिर 99 का 91% निकाले, या फिर 91 का 99% निकाले, जो आसान होगा मुझे आसान लगता है 99%, क्यों, 99% का मतलब होता है 100% माइनस 1%, तो अब 99 का 100% निकालोगे तो 99 का 100% कितना हो गया, चलो वो खुद 91 ही होगा, तो माइनस है 1%, 1% मतलब डेसिमल 2 प्लेस है, तो कितना हो गया 0.91। अभी दोनों को माइनस करेंगे, अल्टीमेटली क्या कर देंगे, इंटू 100 माइनस कीजिए तो जाएगा 90.09, अब आदमी क्या करा इंटू 100 दैट इज कुछ होगा। एक और ले लीजिए, लीजिए और थोड़ा कम, जैसे 25 × 25 ले लेते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ वर्क कीजिए, लीजिए क्या करेंगे, 20% प्लस 1%, अब अपने से करना, ठीक है, बहुत कैसा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा ऐसा, अब आप करो अभी जल्दी करो, उतना नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, कैसे करेंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन होगा, ट्राई करना है, और ये हो गया आपका, ठीक है, अभी करके उठिए, थैंक यू।